हिंदी व्याकरण संधि उद्यांत उदि प्लस अंत यद्यपि यदि प्लस अपि दुस्साहस दुह प्लस साहस निस्संदेह निहि प्लस संदेह निस्सार निहि प्लस सार। इस तरह दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है और दोनों के बीच विकार होता है, इसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के बीच विकार हो तो स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार, पहला दीर्घ संधि, जैसे पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, कवि प्लस इंद्र कवींद्र, गुरु प्लस उपदेश गुरोपदेश। दूसरा गुण संधि, जैसे महा प्लस ईश्वर महेश्वर, पर प्लस उपकार परोपकार, महा प्लस ऋषि महर्षि। तीसरा वृद्धि संधि, जैसे एक प्लस एक एकैक, सुंदर प्लस ओदन सुंदरोदन, महा प्लस औषधि महौषधि। चौथा यन संधि, जैसे प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, सु प्लस आगत स्वागत, मातृ प्लस अनुमति मात्रानुमति। पांचवा आयादि संधि, जैसे ने प्लस अन्न नयन, बो प्लस अन्न भवन। इसके बाद व्यंजन संधि के व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, जैसे जगत प्लस ईश जगदीश, वी प्लस सम विषम, सत प्लस जन सज्जन, दिक प्लस गज दिग्गज। उसके बाद विसर्ग संधि में विसर्ग का परिवर्तन समझिए। निहि प्लस चल निश्चल, निहि प्लस कपट निष्कपट, निहि प्लस संदेह निस्संदेह, निहि प्लस बल निर्बल। इस तरह संधि तीन प्रकार के हैं। ठीक है, धन्यवाद। ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. లేటెస్ట్ వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్స్ అందరికన్నా ముందుగా మీ మొబైల్ని చేరడానికి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. దిస్ ఈజ్ ఉషారాణి అడుసుమల్లి.